अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इस वीडियो में हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब यानी कि यूसीपी में एडमिशन के लिए अप्लाई करने लगे हैं ऑनलाइन ऑनलाइन अप्लाई करके मैं आप लोगों को मुकम्मल दिखाऊंगा एप्लीकेशन सबमिट करके दिखाऊंगा आप लोगों ने स्टेप बाई स्टेप फॉलो करना है और उसको देख लेना है ताकि जब आप लोग खुद अप्लाई करें या अप्लाई करते वक्त आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो कोई मिस्टेक ना हो कोई बात आप लोगों को जो पता नहीं है जो समझ नहीं आती वो सारी बातों का आप लोगों को पता चल जाए तो वीडियो को स्टार्ट करने लगे हैं लेकिन अगर चैनल पर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं लेकर आता रहता हूँ तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं हम लोग जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के ऑफिशियल एडमिशन वाली वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं यहाँ पर लॉगिन वाला ऑप्शन है साइन इन वाला ऑप्शन है अगर आप लोगों ने पहले अकाउंट बनाया हुआ है तो आप लोग यहाँ से साइन इन करके अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोगों ने पहली दफ़ा यहाँ पर यूनिवर्सिटी को विजिट किया है और आपको नहीं पता कि भाई कैसे करना है आपको यही नहीं पता कि अकाउंट होता गया है तो मैं आपको बता देता हूँ भाई आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट क्रिएट करना है अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे यहाँ पर ये साइन इन वाला रेड बटन नज़र आ रहा है इससे नीचे बिल्कुल लिखे हुए नॉट रजिस्टर्ड येट और आगे लिखे हुए क्लिक हेयर ठीक है आप लोगों ने क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक कर देना है यहाँ पर हेयर वाला ऑप्शन जो है यहाँ इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास इस तरह साइनअप वाला पेज आ जा जाएगा इस साइनअप वाले पेज को हम लोग जल्दी से फिलअप कर लेते हैं फिलअप करने के लिए आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल नेम की जरूरत होगी आप लोगों ने यहाँ पर अपना नेम पुट कर देना है मुकम्मल उसके बाद अपना मोबाइल नंबर आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है जो आप लोगों का पर्सनल मोबाइल नंबर है तो उससे नीचे फोन नंबर है आप लोगों ने यहाँ पर फोन नंबर लिख देना है उससे नीचे ई का ऑप्शन है आप लोगों ने यहाँ पर ई वो लिखनी है जो आप लोग यूज भी कर रहे हो कोई उल्टी सीधी ईमेल नहीं देनी जो आप लोगों के यूज़ में ना हो जिसकी वजह से आप लोगों को बाद में परेशानी का कर सामना करना पड़े उसके नीचे सीएनआईसी का ऑप्शन है आप लोगों ने यहाँ से अपना सीएनआईसी जो है पहले सेलेक्ट कर लेना है कि पाकिस्तानी है ओवरसीज़ हैं या फॉरनर हैं जो भी आप लोग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तानी तो पाकिस्तान को तो सिलेक्ट करेंगे और उसी नीचे आप लोगों ने अपना सी लिख देना है जो आप लोगों का सी है अगर सी सी नहीं है तो कोई बात नहीं भाई आप लोगों का बेफाम होगा बेफाम के ऊपर एक नंबर लिखा होता है वो नंबर आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है उससे नीचे आप लोगों ने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको यहाँ से आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है तमाम तो प्रोग्राम अवेलेबल हैं उनमें से आप लोगों ने अपना फेवरेट सेलेक्ट कर लेना है और नीचे हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस भाई आप लोगों ने हमारे बारे में कहाँ सुना है भाई हर जगह पर यही प्रॉब्लम है हर कोई यही पूछ रहा है कहाँ से सुना है कहाँ सुना है भाई बताओ भाई आप लोगों ने कहाँ से सुना है ठीक है तो आप लोगों ने यहाँ पर बता देना है सोशल मीडिया से या न्यूज़पेपर है जहाँ से भी सुना है आप लोगों ने ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है नहीं सुना तो भी सिलेक्ट कर दें कोई बात नहीं है उसी नीचे जो है आप लोग साइन अप के ऊपर क्लिक कर देंगे साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और हम लोगों को अब लॉग इन करना है लॉगन के लिए आप लोगों को यूनिवर्सिटी ने एक ई भेजा होगा जो आप लोगों ने ई पुट की उसके अंदर आप लोगों को यूनिवर्सिटी ने कुछ चीज़ें भेजी होंगी यूज़र नेम और पासवर्ड बताया हुआ आप लोगों ने वो यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर लिखना है एंटर करना है और इसको लॉग इन करके आप लोगों ने फिर अप्लाई करना पड़ेगा तो जल्दी से जो है पहले अपना ई चेक करते हैं और उसमें जो है अपना यूज़र नेम और पासवर्ड तलाश करके यहाँ पर पुट कर देंगे तो जल्दी से मैं यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड लिख देता हूँ मैंने अपना जी मेल चेक कर लिया आप लोग भी अप्लाई करेंगे तो उससे पहले अपना जी मेल चेक करेंगे वहाँ पर आप लोगों को पासवर्ड और यूजर नेम मिल जाएगा दोनों यहाँ पर आप लोगों ने लिख देने हैं पासवर्ड और यूजर नेम पुट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है साइन इन करने के बाद इस तरह का आप लोगों के पास पेज ओपन होता है और यहाँ पर एक पॉपअप आया हुआ है आप लोगों को सात स्टेप बताए गए हैं एडमिशन के पहला स्टेप है आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है ठीक है रजिस्टर करना है खुद को और दूसरे स्टेप जो है आप लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है पहला स्टेप हम लोगों ने कर लिया है खुद को जो है रजिस्टर कर लिया है लेकिन अब हम लोगों ने जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाना है एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी जो है प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह सब कुछ जमा करवा देनी है और प्रोसेसिंग फ़ी जमा करवाएंगे तो आप लोगों की एप्लीकेशन को देख आप लोगों को जो है टेस्ट या इंटरव्यू की जो है डेट दी जाएगी और स्टेप नंबर फाइव में आप लोगों की मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी सिक्स नंबर पर आप लोगों की डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी और सेवन नंबर पर आप लोगों की क्लासेस को कमेंट्स किया जाएगा मतलब आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो इसको आप लोगों ने ऊपर क्रास का लेना है पढ़ने के बाद अब हम लोग आ गए यहाँ पर अप्लाई करेंगे मतलब कि अपना फॉर्म जो है एडमिशन फॉर्म उसको फ़िलअप करेंगे तो इस तरह का पेज खुलकर सामने आ जाता है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये पहला पेज है हमारा और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अगर इसको आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आप लोग के पास जो है प्रॉस्पेक्टस सी वाला स्टेटस आ जाता है प्रोस्पेक्टस फी का आप लोग चलान यहाँ पर डाउनलोड करके भी इसको सबमिट करवा सकते हैं बैंक के अंदर नहीं तो आप लोग जो है अपने घर से ही जहाँ पर बैठे हैं वहीं से इजी पैसे के जरिए भी आप लोग पे कर सकते हैं बहुत ही आसान ऑप्शन है इसके अलावा भी आप लोगों का जो है इंटरव्यू लेटर वगैरह सारी चीज़ें बाद में आ जाएंगी तो आप लोग यहाँ से इसको प्रिंट कर सकेंगे लेकिन पहले हम लोग जो है ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं अपना एडमिशन तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा एडमिशन फॉर्म वाला ऑप्शन इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्रोग्राम अपलाइड का ऑप्शन आ जाता है प्रोग्राम अप्लाइड में आप लोगों ने पहले एक प्रोग्राम चूज़ किया हुआ है पहले जो प्रेफरेंस आप लोगों ने चूज़ की है वो आ रही होगी अब प्रेफरेंस नंबर टू आप लोगों को दूसरे नंबर पर किस प्रेफरेंस को रखेंगे उसको आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है और आप लोगों की एक थर्ड प्रेफरेंस भी आ रही है थर्ड प्रेफरेंस को भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं आप लोगों की भाई मर्ज़ी है जैसे आप लोग सेलेक्ट करें ज़रूरी नहीं है कि तीनों को तीनों करें एक में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एक कर लें दो में तो दो में तीन को करना चाह रहे हैं तो तीन में कर लें और नीचे आप लोगों ने यहाँ पर सबमिट प्रेफरेंस के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है यहाँ पर आप लोग ऊपर देख सकते हैं प्रोग्राम प्रेफरेंस एडिड सक्सेसफुली ठीक है ये शो होने के बाद आप लोगों ने नीचे जाना है यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा राइट बॉटम कार्नर के ऊपर तो राइट यानी कि नेक्स्ट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है इसके बाद हमारा पर्सनल फॉर्मेशन वाला पेज ओपन हो जाता है यहाँ पर आप लोगों का जो है स्टूडेंट नेम पहले का लिखा हुआ है और इसके अलावा जितनी इंफॉर्मेशन है हम लोगों ने पुट कर देनी है इसको फिलअप कर लेते हैं पहले सारी चीज़ों को तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप लोगों ने जो है स्टूडेंट नेम के बाद स्टूडेंट नेम तो चूंकि आपका पहले लिखा हुआ होगा इसके बाद आप लोगों ने यहाँ से मेरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है आप लोगों का जो भी मेरिटल स्टेटस

बर्थ प्लेस का नाम लिखना है जहाँ पर आप पैदा हुए हैं उसके नीचे एमरजेंसी फोन नंबर लिख देना है और उसी नीचे जो है जेंडर आप लोगों ने अपनी सिलेक्ट कर लेनी है नीचे ई आप लोगों का पहले लिखा हुआ होगा उसके बाद रिलीजन है रिलीजन यहाँ से आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है उससे नीचे आप लोगों की सिटी है आप लोगों ने सिटी को सिलेक्ट कर लेना है पर्सनल इफार्मेशन के बाद आप लोगों को सेक्शन आ जाता है फादर इफॉर्मेशन का आप लोगों ने अपने वालिद साहब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है फर्स्ट ऑफ ऑल फादर नेम लिख देना है उसके सामने फोन नंबर का जहां पर ऑप्शन है यहाँ पर फोन लिख देना है उससे नीचे फादर सी एन आई सी लिख देना है और उससे नीचे जो है आप लोगों ने सेल नंबर लिख देना है ठीक है अब आप लोगों का जो फोन नंबर है वो नेसेसरी नहीं है लेकिन जो सेल नंबर है ना जो सेल फोन नंबर होता है जो सिम का नंबर होता है वो बहुत जरूरी है ठीक है वो आप लोगों ने लाजमी लिखना है जो यहाँ पर जो है इसके साथ स्टार भी लगा हुआ होगा और उसके साथ ही साथ एक डेजिग्नेशन का ऑप्शन है सिग्नेशन आप लोगों ने लिख देना है अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं कोई अहदेदार हैं तो आप लोगों ने उनका लिख देना है अगर नहीं है तो यार आप लोगों की अगर प्राइवेट कोई जॉब है तो वाले साहब की तो वो आप लोग यहाँ पर प्राइवेट जॉब भी लिख सकते हैं साथ ही साथ ऑक्यूपेशन है आप लोगों ने ऑक्यूपेशन लिख देना है यहाँ पर भी आप लोग प्राइवेट जॉब करते हैं तो प्राइवेट जॉब लिख सकते हैं गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब लिख सकते हैं जो भी हैं वो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं ई अगर वाले साहब का है तो लिख दें नहीं है तो छोड़ दें बेशक कोई मसला नहीं है और उससे नीचे जो है गार्डियन इफॉर्मेशन है गार्डियन इंफॉर्मेशन में आप लोगों ने अपने वाले साहब के अलावा कोई गार्डियन है दूसरा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने यहाँ पर पुट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल गार्डियन का नाम लिखना है सेल नंबर लिखना है गार्डियन का सी एन आई सी उससे नीचे लिख देना है और सी एन आई सी के सामने जो है आप लोगों ने अपना ई मेल लिख देना है ई मेल के नीचे फ़ोन नंबर है फ़ोन नंबर लिख देना है और उससे नीचे आप लोगों ने जो है अपने परमानेंट एड्रेस के ऊपर आ जाना है परमानेंट एड्रेस में फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेस लाइन वन है अब लाइन नंबर वन मैंडेट्री है आपने लाजमी लिखनी है और इसके बाद लाइन टू है वो ज़रूरी नहीं है लाइन थ्री ज़रूरी नहीं है अगर आप लोग लाइन टू और लाइन थ्री लिखने तो लिख लें मैंने जो अपना पूरा एड्रेस है मुकम्मल वो मैंने लाइन वन में ही लिख दिया है इस तरह मैं जो है लाइन टू और लाइन थ्री को छोड़ रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता छोड़ने से लेकिन पहली लाइन नहीं छोड़नी जहाँ पर एड्रेस लाइन वन लिखा हुआ है इधर आप लोगों ने लाजमी एड्रेस लिखना ही लिखना है तो अपना मुकम्मल एड्रेस जो आप लोग इसी लाइन में लिख दें तो बेहतर रहेगा और आगे जो है आप लोगों का सेलेक्ट सिटी वाला ऑप्शन है आप लोगों ने यहाँ से अपना सिटी सेलेक्ट कर लेना है और नीचे अगर कोई और सिटी भी है परमानेंट एड्रेस में आप लोगों पर अदर सिटी जगह भी कुछ लिख देना है अगर है तो नहीं है तो छोड़ दें कोई फर्क नहीं पड़ता अपना सिटी जो आप लोग ने पहले से कर चुके हैं है, तो है तो पेश कर सकते हैं और यहां पर आप लोग जो लिख सकते हैं और उसके सामने ही जो 2 और 3, ये भी उसी तरह के अगर आप लोगों का जो भी एड्रेस है उसको आप लाइन वन में ही लिख सकते हैं और नीचे जो है आप लोगों ने सिलेक्ट सिटी वाली जो खाने के अंदर सिलेक्ट सिटी जो है आप लोगों ने अपना सिटी सेलेक्ट कर लेना है और अगर कोई अदर सिटी है तो आप लोग वो भी ऊपर जाकर इसको देख लेना है सारे इन्फॉर्मेशन को एक दफ़ा चेक कर लेना है चेक करने के बाद आप लोगों ने नीचे आप लोगों को बटन नज़र आ रहा होगा सेव पर्सनल इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है यहाँ से आप लोगों की इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएंगी तो हमारी पर्सनल इन्फॉमेसन सेव हो चुकी है अब हम नीचे मूव करते हैं और यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा होगा इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है वो एडमिशन फॉर्म के अंदर एकेडमिक्स का आ जाता है हम लोगों ने यहाँ पर अपनी एकेडमिक्स लिखनी है एकेडमिक्स से लिखने का जो यूनिवर्सिटी ने तरीका बताया उसने ये बताया कि भाई आप लोगों ने एकेडमिक्स इस तरह लिखनी है कि पहले छोटी डिग्री सेलेक्ट करनी है जैसे कि मैट्रिक से शुरू होना है मैट्रिक के बाद एफ अगर आप लोग जो है बी में अप्लाई कर रहे हैं तो पहले मैट्रिक लिखनी है फिर एफ अगर आप लोग किसी और प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं जैसे एम में अप्लाई कर रहे हैं तो पहले मैट्रिक फिर एफ फिर आप लोगों ने अपना बी लिखना है और चूँकि एम एस में अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए वहाँ तक जो है बी तक आप लोगों के इफॉर्मेशन दरकाल

के बाद नीचे आप लोगों के पास डिग्री या टाइटल है ठीक है तो आप लोगों ने यहाँ पर अपनी डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है मेट्रिकुलेशन है तो ठीक है ओ लेवल है तो उसको आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और उससे नीचे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आ जाता है आप लोगों का जो भी बोर्ड है आप लोग वहाँ यहाँ से जो है इसको सेलेक्ट कर सकते हैं अपने बोर्ड के नाम को और उससे नीचे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पुट कर देना है रजिस्ट्रेशन नंबर मोस्टली आप लोगों का आई कार्ड नंबर ही होता है एनी आप लोगों ने अपनी जो है सनत वगैरह से एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लेना है रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद नीचे आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाता है ए, इंटर रोल नंबर का ठीक है रोल नंबर आप लोग तभी लिखेंगे जब आप लोग अगर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो ठीक है अगर आप लोग रिजल्ट का वेट नहीं कर रहे मतलब आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेर हो चुका है तो आप लोगों को रोल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है आप लोग नीचे मूव करें आगे नीचे पी स्टेटस पी मतलब पंजाब ग्रुप ऑफ़ कॉलेज का स्टेटस आप लोग अगर पंजाब ग्रुप ऑफ़ कॉलेज के किसी कॉलेज के अंदर अगर पढ़ चुके हैं मैट्रिक या एफ तो आप लोग यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं अगर मैट्रिक का लेवल है तो आप लोगों का डेफिनेटली कॉलेज में मेरे खास मैट्रिक नहीं है तो आप लोग यहाँ से इसको नॉन पी करेंगे आगे जो आप लोगों का ऑप्शन आएगा ना एफ वाला जहाँ पर तो आप लोगों ने एफ़ के लिए अगर आप पंजाब कॉलेज में पढ़ चुके हैं तो आप लोगों ने पी को सेलेक्ट कर लेना है फिलहाल नॉन पी रहने दें उससे नीचे जो है इंस्टीट्यूट नेम जो है आप लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट का नेम लिख देना है जहाँ से आप लोगों ने जो है मैट्रिक अपनी कंप्लीट की है नीचे सब्जेक्ट का ऑप्शन है यहाँ पर आप लोगों ने अपना मेजर सब्जेक्ट लिख देना है जैसे साइंस है या आर्ट्स है तो आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है मैट्रिक जिसमें की है नीचे जो है पासिंग ईयर आ रहा है आप लोगों ने अपना पासिंग ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जिस ईयर में आप लोगों ने जो है अपना पास किया है मैट्रिक का रिजल्ट ठीक है मैट्रिक अपने जिस साल में आप लोगों ने क्लियर किया है उसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से और उससे नीचे जो आप लोगों ने टोटल मार्क्स लिख देने हैं जितने आप लोगों के मैट्रिक में मार्क्स थे और जितने मार्क्स आपने हासिल किए हैं उससे नीचे वाले खाने में और टेन मार्क्स वाले खाने में आप लोगों ने लिख देने हैं नीचे डिग्री स्टेटस जो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है डिक्लेयर है ये जो भी है खैर फिलहाल यहाँ पर तो सिर्फ डिक्लेयर ही आ रहा है मैट्रिक के लिए तो डेफिनेटली मैट्रिक का तो सबका डिक्लेयर होगा ही यहाँ पर, पर नीचे आप लोगों को सबमिट का ऑप्शन नजर आ रहा है यहाँ पर सबमिट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है तो हमारा एक रिकॉर्ड सबमिट हो चुका है आप लोग यहाँ पर नीचे देख भी सकते हैं ये रिकॉर्ड आ गया ठीक है अब हमने दूसरा रिकॉर्ड ऐड करना है तो फिर उस तरह प्लस की बटन के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे प्लस के बटन के ऊपर आप लोग क्लिक करने के बाद जहाँ पर नीचे जो एग्ज़ाम लेवल फर्स्ट ऑफ तो फर ऑल सेलेक्ट करेंगे अब इंटर सेलेक्ट कर लेना है अगर आप लोगों ने मैट्रिक पहले कर लिया है तो नीचे जो है डिग्री लेवल जो है आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है डिग्री टाइटल क्या है आप लोगों का अगर एफ एस पर इंजीनियरिंग मेडिकल है जो भी है आप लोग यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपने लिहाज से नीचे आप लोगों ने अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना है जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने अपनी एफ क्लियर की है और नीचे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना आपने रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे आप लोगों ने रोल नंबर लिखना है वो स्टूडेंट जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं उन्होंने अपना रोल नंबर लिख देना है और जिनका रिजल्ट कंप्लीट हो गया उसको उस छोड़ सकते हैं स्किप कर सकते हैं नीचे पीजीसी स्टेटस है अगर आप लोगों ने जो है एफएससी पंजाब कॉलेज से की है तो आप लोग यहाँ से पी को सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोग पी के अलावा किसी और कॉलेज में पढ़े हैं यानी कि पंजाब कॉलेज के अलावा किसी और कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो उनको नॉन पी जी करना है ठीक है तो पंजाब कॉलेज वाले पी जी करेंगे नीचे इंस्टीट्यूट नेम आ रहा है तो आप लोगों ने यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का नेम लिख देना है ठीक है और उसके नीचे आप लोगों ने सब्जेक्ट लिख देना है ठीक है सब्जेक्ट के लिए यहां पर आप लोगों ने सिंपली साइंस लिख दें तो भी ठीक है साइंस की जगह आप लोग लिखना चाहें भाई प्री इंजीनियरिंग तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं और इससे नीचे जो है पासिंग ईयर है पासिंग ईयर की जगह आप लोग यहाँ से अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं जिस साल आप लोगों ने डिग्री पास की है नीचे टोटल मार्क्स का ऑप्शन है आप लोगों ने यहाँ पर अपने टोटल मार्क्स लिख देने उससे नीचे ऑप्टेन मार्क्स लिख देने और उससे नीचे डिक्लेयर या वेटेड रिजल्ट है तो आप लोग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है डिक्लेयर है तो डिक्लेयर रिजल्ट वेटिंग है तो वेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट के ऊपर आप लोग क्लिक कर देंगे यहाँ से आप लोगों की जो अपलिकेशन है वो सबमिट हो जाएगी अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो तमाम एकेडमिक रिकॉर्ड है वो यहाँ पर अवेलेबल है ठीक है हम लोगों ने इसको यहाँ पर जो है लिख दिया है मुकम्मल रिकॉर्ड दे दिया है इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लेकिन अभी तक हमारा ये सेक्शन मुकम्मल नहीं हुआ भाई आप लोगों ने इस सेक्शन को ज़रूर मुकम्मल करना है कैसे मुकम्मल करेंगे क्या चीज़ रहती है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आप लोगों को ग्रीन कलर का एक अटैचमेंट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ये मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ ये वाला ठीक है तो इसको आप लोगों ने पहले फ़िलअप कर लेना है यहाँ पर ठीक है इसको फ़िलअप कैसे करेंगे आप लोग इसको फ़िलअप

क्योंकि यहाँ पर जो आप लोगों को कहा जा रहा है कि तीन एम बी सी साइज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए और स्पेशल से वाइड करना है तो यहाँ पर सिलेक्ट फाइल के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है फाइल सेलेक्ट करने के बाद नीचे अपलोड फाइल का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर आप लोग अपलोड फाइल्स के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये फाइल जो है आप लोग की अपलोड हो जाएगी इसी तरह नीचे जो है दूसरी मैट्रिक की वो भी इसी तरह अपलोड कर देते हैं यहाँ पर अपलोड वाली के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो जिस तरह पहले अपलोड हम लोगों ने की है उसी तरह की एक फ़ाइल हम लोग फिर दोबारा से अपलोड कर देंगे अपनी मैट्रिक के लिए यहाँ सेलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट कर लेना है अब आप लोग देख सकते हैं हमारे दोनों इमेज जो है वो अपलोड हो चुके हैं इमेज अपलोड होने के बाद यानी कि आपकी सारी जो चीज़ें वो पूरी हो गई हैं अब आप लोगों ने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस का वर्क एक्सपीरियंस का भी उसी तरह आप लोगों को नजर आ रहा होगा यहाँ पर प्लस वाला बटन इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करके यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर देना है साल पोजीशन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आप लोगों ने पोजीशन लिख देनी है अगर आप लोगों ने किसी बोर्ड यूनिवर्सिटी में पोजीन लिया है ऑर्गेनाइजेशन की जगह अपने बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है डेट लिख देनी है यानी कि जिस साल आप लोगों का प्रोग्राम शुरू हुआ था उससे आप लोगों की डिग्री के एंड तक का जो साल है वो जो टू डेट है इतने तक लिख देना है और इसको सबमिट कर देना है ठीक है अगर नहीं है टॉपर तो इसको छोड़ देना है यहाँ से क्लोज कर दें और यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है टेस्ट एंड एग्जामिनेशनस ठीक है टेस्ट एंड एग्जामिनेशन वाला खाना इस तरह जो है आप लोगों को उसी तरह प्लस वाला बटन नज़र आ रहा होगा इसके ऊपर आप लोग ऐड वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने कोई किसी किस्म का टेस्ट दिया हुआ है तो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं एन दिया हुआ है यू का कोई टेस्ट दिया हुआ है एल ए टी दिए हुए एच ए जो भी दिए हुए आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखेंगे और टेन मार्क्स लिखेंगे और जो है डेट यहाँ पर आप लोगों ने लिख देनी है खैर टोटल मार्क्स तो आप लोग जो प्रोग्राम अपना सेलेक्ट करेंगे उसके आ जाएंगे और यहाँ पर आप लोग सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे अगर कोई टेस्ट नहीं दिया हुआ तो यहाँ पर इसको छोड़ दे देंगे आप लोग यहाँ क्लोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे आप लोगों को नेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा इसी के ऊपर आप लोग क्लिक करके आगे चले जाएंगे यहाँ पर आप लोगों ने कुछ भी नहीं लिखना होगा उससे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का अगर आप लोगों ने कोई और गैर सरगर्या अपनाई हुई हैं तो आप लोग यहाँ पर उसको डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर आप लोगों ने प्लस के ऊपर क्लिक कर लेना है अगर आप कोई मतलब अच्छे प्लेयर हैं किसी गेम के तो आप लोग वो भी बता सकते हैं यहाँ पर कोई और एक्टिविटी है तो वो भी बता सकते हैं पहले एक्टिविटी का नाम लिख देना है और उससे नीचे जो एक्टिविटी की जो है मुकम्मल डिस्क्रिप्शन लिख देनी है उसके बारे में बता देना है तकरीबन तो दो ढाई सौ वर्ड्स में आप लोग बता सकते हैं और उससे नीचे आप लोगों ने क्या करना है सबमिट करके बैक आ जाना है अगर आप लोगों की कोई सरगर्मी ऐसी नहीं है तो आप लोग इसको स्किप कर देंगे और यहाँ पर जो नेक्स्ट का ऑप्शन नजर आ रहे हैं नीचे इसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट हमारे पास फाइनल पेज आता है एडमिशन फॉर्म का ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों ने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दर्ज की थी वो आपके सामने आ रही हैं ठीक है यहाँ पर आप लोग नीचे मूव करते जाएंगे यहाँ पर आप लोगों के पास लास्ट सेक्शन होगा जहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज राइट फ्यू लाइन्स अबाउट डिग्री ऑब्जेक्टिव ठीक है तो यहाँ पर प्लीज राइट फ्यू लाइन्स अबाउट डिग्री ऑब्जेक्टिव ये लिखा हुआ है आप लोगों ने यहाँ पर क्या कर लेना है यहाँ पर आप लोगों ने अपनी डिग्री ऑब्जेक्टिव लिख देने हैं कोई जो आप लोगों को मतलब आप लोगों ने अपने पास ही कोई एक दो लाइन लिख देनी है जैसे आई वांट टू बिकम आ प्रोफेशनल मैथमेटिशियन ऐसी जो आप लोगों की डिग्री है वो आप लोग अपनी डिग्री के लिहाज से लिख सकते हैं सिर्फ़ एक दो लाइन लिख देनी कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है उससे नीचे आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर कंसेशन ऑफ ठीक है अगर आप लोग कंसेशन में अप्लाई करना चाह रहे हैं अगर आप लोग पी के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना पी जी डिस्काउंट आप लोगों को स्पेशल किस्म का डिस्काउंट मिलेगा पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए नीचे अगर किनशिप डिस्काउंट हासिल करना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्लिक कर दें मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के अंदर आ रहे हैं तो आप लोग उसके ऊपर क्लिक कर दें और उससे नीचे अगर कोई डिस्काउंट हासिल नहीं करना चाहते तो नो डिस्काउंट के ऊपर क्लिक कर दें इनमें से किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे आ जाएंगे तो नीचे जो पहला चेक चेकबॉक्स इसको छोड़ देना है डू यू वांट ट्रांसफर क्रेडिट वाला उससे नीचे आ जाना है डू यू वांट टू अवेल हॉस्टल फैसिलिटी अगर आप लोग हॉस्टल की फैसिलिटी अवेल करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर क्लिक कर दें नहीं करना चाह रहे तो उसको छोड़ दें अगर आप लोग जो है फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी में तो आप लोग जो थर्ड ऑप्शन है इसके ऊपर यहाँ से क्लिक कर लें अगर नहीं करना चाहते तो उसको भी छोड़ दें अगर आप लोगों के पास नीचे जो इस तरह का रेड कलर का जो है कोई भी ऑप्शन आ रहा है जैसे प्रोफाइल पिक्चर इज मिसिंग मेरे पास आ रहा है तो हमारी जो है प्रोफाइल पिक्चर मिसिंग है अगर आप लोगों के पास कोई और ऑप्शन भी यहाँ पर आ रहा है कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया तो आप लोग उसे बैक जाकर अपलोड कर सकते हैं मैंने प्रोफाइल पिक्चर मिस किया तो हम लोग जल्दी से इसको अपलोड कर देते हैं प्रोफाइल पिक्चर को कैसे अपलोड करना है ये आप लोग ऊपर देख रहे हैं अपना अकाउंट यहाँ पर जो लॉग इन हुआ हुआ है जहां पर आपका नाम आ रहा होगा जिस नाम से आप लोगों ने लॉग इन किया होगा इसके साथ एक प्रोफाइल सी बनी होती है ठीक है इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर तीन ऑप्शन नजर आ रहे हैं चेंज पिक्चर चेंज पासवर्ड लॉग डॉकआउट आप लोगों ने चेंज पिक्चर के ऊपर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड हो चुकी है हमारी जो फाइल है वो कंप्लीटली अपडेट हो चुकी है ठीक है अब एडमिशन फॉर्म के ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास वो पहला पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप लोगों ने ये सातवां ऑप्शन जो ऊपर आप लोगों को हेडलाइन में नजर आ रहा है सबमिशन वाला है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है ठीक है इसके ऊपर क्लिक करके नीचे आ जाना है ये वो आखिरी पेज है जहाँ पर हमें नजर आ रहा था कि भाई आपकी प्रोफाइल पिक्चर नहीं है तो हम लोगों ने अपलोड कर दी है ठीक है अब हमारे पास जो है ये आपका जो फाइनली एक टर्म एंड कंडीशन आ रही है यूनिवर्सिटी की तरफ से इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लेना है पढ़ के आप लोगों नीचे आई एग्री टू ऑल टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है नीचे अंडरटेकिंग को भी पढ़ लेना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर नीचे ऑप्शन नजर आ रहा होगा गो टू होम पेज इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है या आप लोगों को होम पेज के ऊपर ले जाएगा यह एडमिशन होम पेज है इस यहाँ पर आप लोगों को ले आएगा यहाँ से आप लोगों ने यहाँ पर अपना प्रोस्पेक्टस चलान डाउनलोड कर लेना है उसको और जाकर जमा करवा देना है या आप लोगों के पास दूसरा ऑप्शन है इजी पैसा के जरिए ठीक है आप लोग अपना चालान इजी पैसे के जरिए जो है जमा करवा सकते हैं आप लोग फौरी से जो है दो मिनट के अंदर आपका काम हो जाएगा अगर ईजी पैसा के जरिए करते हैं तो अगर आप प्रोस्पेक्टस चालान डाउनलोड करके बैंक में जाकर जमा करवाना है तो अलबारा का बैंक का जो है आप लोगों के पास चालान होगा इस तरह का जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का चलान है अलबारा का बैंक का एक

जैसे आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है ठीक है ये इस तरह का जो फॉर्म है ये आप लोगों ने इसको यहाँ से प्रिंट कर लेना ये प्रिंट का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको साइड के ऊपर राइट कॉर्नर में यहाँ से आप लोगों ने अपने फॉर्म को प्रिंट कर लेना प्रिंट करके अपने पास रख लेना है अब फीस चलान जमा करवाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक कर देना है पेमेंट डिटेल्स के ऊपर पेमेंट डिटेल्स के ऊपर आएंगे तो आप लोगों ने यहाँ पर स्लिप को अटैच करना है ये आप लोगों को अटैच स्लिप वाला ऑप्शन नजर आ रहा है यहाँ पर इसके ऊपर आप लोग क्लिक करके अपनी जो स्लिप जमा करवाई होगी आप लोगों ने चलान उसको आप लोगों ने यहाँ पर जो है अपलोड कर देना है अगर आप लोग ईजी पैसे के जरिए करवाते हैं तो आप लोगों के पास एक मैसेज आता होता है या एक टीआरएक्स आई डी होती है उसकी आप लोगों ने तस्वीर लेनी है स्क्रीन शॉट लेनी है और यहाँ पर अपलोड कर देनी है आप लोगों ने ठीक है आप लोगों के पास यहाँ पर नीचे पेमेंट सबमिट बाई यहाँ पर ऑप्शन भी आ रहे होगा

उसके बाद आप लोगों का जो है टेस्ट और इंटरव्यू लेटर आ जाएगा आप लोग पेमेंट डिटेल्स के नीचे लिखा हुआ है प्रिंट टेस्ट इंटरव्यू लेटर इसी ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो जब आप लोगों का टेस्ट या इंटरव्यू का लेटर आएगा आप लोग उस लेटर को प्रिंट करके अपने पास हासिल कर सकेंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभी तक जो है हमारी फी पे नहीं हुई तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा यहाँ पर हमें आ रहा है कि यूर पेमेंट हैज़ नॉट बीन वेरीफाइड आई होप यार आप लोगों की वीडियो काम आई होगी अगर ऐसा ही है तो लाइक जरूर कीजिएगा मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़